नमस्कार मैं अनुराग भारद्वाज आपका स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है इनसे मिलिए किसी ने बहुत खूब कहा है कि हर आदमी में होते हैं दस बीस आदमी हर आदमी में होते हैं दस बीस आदमी जिसको भी मिलिए कई बार मिलिए और हमारी भी कोशिश यही रहती है हमारा भी प्रयास यही रहता है कि हम ऐसे मेहमानों को इस प्रोग्राम में लेकर के आएँ इनसे मिलिए प्रोग्राम में लेकर के आएँ जिन्होंने इस समाज को काफ़ी कुछ दिया समाज ने उन्हें क्या दिया या देश ने उन्हें क्या दिया उनको इस बात से बहुत कम सरोकार रहता है और उन्हें सरोकार इस बात से है कि उन्होंने समाज को क्या दिया हमारी इसी प्रयास में हमारी इसी कोशिश में आज हमारे साथ हमारी विशिष्ट मेहमान हैं जिनका नाम है श्रीमती शैली करवा आप एक वृहद आयाम वाली व्यक्तित्व की महिला हैं और इनका आयाम जैसा आपसे मैंने कहा उसमें कि, कि जितने बार भी कई बार मिलिएगा वाली बात है कि आप एक फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ से भी जुड़ी रही हैं और आपने बहुत लंबा बच्चों के लिए भी काम किया है और आप डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं तो जैसा हमारे प्रोग्राम का टाइटल है हमारे प्रोग्राम का जो शीर्षक है भारतीय संस्कृति में डिज़ाइनिंग हम इसके बारे में बात करेंगे आपका बहुत बहुत स्वागत है शैली जी हमारे इस प्रोग्राम में थैंक यू सो मच अनुराग जी आपने बहुत खूबसूरती से इंट्रोड्यूस कराया है इस चीज़ को और जब हम बात भारतीय संस्कृति की करते हैं तो हमें कहीं गर्व महसूस होता है भारतीय होने पर और वही चीज मैंने हमेशा अपने काम में आ, कोशिश की है लाने की कि मैं आ, अपने काम के थ्रू वो फील करती रहूं कि हम इस कल्चर से इस रिलीजन से इस इंडिया के अपने जो हमारे एथिक्स हैं जो हम लोगों ने अपनी जो डिसिप्लिन सीखा है संस्कार सीखे अपने माँ बाप से उसे जिंदा रखें और आज तक रही किया आधुनिक डिजाइनिंग जी जिसकी की आप पुरोधा भी हैं तो आधुनिक डिजाइनिंग में भारतीय संस्कृति जी। और चूंकि हम लोग राजस्थान से हैं और तो तो राजस्थान की संस्कृति और भारतीय संस्कृति आज के परिवेश में माहौल में डिजाइनिंग में आप किस तरह देखती हैं पहला प्रश्न ये और दूसरा प्रश्न इसके साथ साथ ये भी कि आप कैसे उसको उतारती हैं जी हम लोग जब अपने डिजाइन को किसी भी चीज पे कोशिश करते हैं कि उसको उतारा कैसे जाए तो सबसे पहली चीज जो हम लोग रखते हैं माइंड में वो रखते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं हम बिलोंग करते हैं राजस्थान जैसी धरती से जहाँ पर कल्चर खूबसूरती और सभ्यता ये हमारा गहना है और अगर हम इस गहने को कपड़ों पे उतारेंगे तो वो और ख़ूबसूरत दिखेगा तो पीछे है? कहीं नहीं जाएगा और हमने इसीलिए हमेशा अपने डिज़ाइंस को मॉडर्न रखते हुए जितनी भी मॉडर्न स्लीव्स हो गई मॉडर्न स्टाइलिंग हो गई वो हम सब डालते हैं लेकिन जब बात डिज़ाइन को एक्चुअली उतारने की आती है तो कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन बनाते हैं जो राजस्थान को डिपेक्ट करे यहाँ के कपड़े यहाँ के प्रिंट यहाँ का जो आपका बाटिक है यहाँ के जो आपके कुछ दाबू के प्रिंट्स हैं या फिर कलमकारी है जी उसको जी मैं ज़रूर अपने दिमाग में रखती हूँ और उसी के बेस पर सारी डिज़ाइनिंग को हम रखते हैं चले जी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो जैसे हमारे बहुत सारे अंचल हैं हाड़ौती एक है ब्रज है ढूंढाड़ी एक है मेवाड़ एक है शिखावटी अलग हो जाता है तो हर जगह का अपना अपना परिधान है और फिर दूसरा इसके साथ साथ आप हमारे जो कल्चर है हमारा जो म्यूज़िक है हमारी जो मौसम के हिसाब से जो हमारा वातावरण पूरा बना हुआ है वो वो है हमारे यहाँ की जो म्यूज़िक के से बात करें तो ये सारी चीजें जो रीजन वाइज हैं आंचल वाइज आंचलिक जो हैं वो आपके परिधानों में आती हैं हाँ जी बिल्कुल आती हैं जैसे हम राजपूती पोशाक बनाते हैं तो जब राजपूती पोशाक बनती है तो हमारे दिमाग में ये क्लैरिटी होती है कि मोस्टली राजपूती पोशाक एक बेस कलर पर ही बनती है और उसको आप खूबसूरती में कैसे ढाल सकते हैं वो सिर्फ कार के आपके जो हाथ का काम होता है जो कारीगर करता है उसके थ्रू होता है तो हम लोग उसी तरीके से जो भी हमारा परिधान है आउटफिट है उसको डिजाइन ही हम कल्चर नहीं जो इंसान जहाँ रहता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और वो कौन सी शादी में या किस तरह के फंक्शन में जाने वाला है जी, जी. उसको दिमाग में रखते हुए उसको हम उतारते हैं तो हम अपनी किसी भी चीज़ को अपनी मर्जी से नहीं करते हम सामने वाले को क्या रिक्वायरमेंट है वो कहाँ जाने वाला है किस तरह की मॉडर्न पार्टी है जी. या फिर एथनिक पार्टी है उसको दिमाग में रखते हुए एक डिज़ाइन निकालते हैं और ब्रेन वॉश भी कहीं कही ना कहीं करना पड़ता है क्योंकि बहुत बार हम ऐसे डिज़ाइंस लेकर आते हैं जिसमें एथनिक कुछ नहीं होता जी लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि हमारी एथनिक टच से जो हमारा एक रिचनेस है कल्चर का या हमारा अपना खुद का जिसे हम क्लेम करते हैं हम राजस्थान के हैं हम राम राम सा करते हैं या हम एक इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं हुक्म दे करके बात करते हैं वो कहीं छूटना नहीं चाहिए तो कहीं मेरे डिजाइन में आपको उस चीज का एक पंच या पेंच आप कह सकते हैं हमेशा मिलेगा तो जैसे मिसाल के तौर पे आप बताएं जैसे हमारे यहाँ पे मैं ऐसे बात करूँ तो हमारे किले बड़े बड़े ही विशिष्ट स्थान रखते हैं और कपड़ों के ऊपर उनके किलों की भी आप शायद करती होंगी और ये जो हमारे ढोला जो मारू संस्कृति है हमारी बनी जो तस्वीर जो जो एक पेंटिंग है कि पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है तो क्या इन सब चीजों का भी इस्तेमाल करती है हाँ जी हमारे यहाँ जब पगड़ी या साफे बनते हैं जी तो साफों पे जो जो मेकिंग होती है साफों की पहले मेकिंग कैसी होती थी ऐसे पगड़ी की तरह गोल गोल बांधा जाता था अब साफों को जिग जैग तरीके से एजीमेट्रिक शेप में बांधा जाता है वो एक स्टाइलिंग है चीज आज भी वही है लेकिन ब्रीडिंग करके उसको चोटी की तरह गूद के और उसकी कई तरीके की लेयर बनाई जाती है हर हाँ। एक लेयर पर हाथ का काम होता है और वो कढ़ाई जो जब की जाती है तो उसको स्पेशल बनाया जाता है तो ये जो चीज है ये मॉडिफाई तो हो गई लेकिन आज भी पगड़ी ही है अच्छा। लेकिन ये जो एक बात मेरे बड़े उसमें है कि आजकल का जो यूथ है जो युवा है दरअसल वो ट्रेडिशनल चीजों से जुड़ा तो रखा रह रहता ही है हमेशा की तरह से अपने संस्कृति से उसका लगाव है पर जैसे कहीं वो ऐसे आउटिंग्स में जा रहे हैं या पार्टीज में जा रहे हैं जहाँ पे कि बहुत ज्यादा म्यूजिक है म्यूजिक और वो है है, 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 हैपनिंग सी चीजें हो जाती हैं जहाँ पर डांस वगैरह करते हैं वो लोग तो उसमें भी क्या ट्रेडिशनल जैसे जो हमारा राजस्थानी कल्चर है उस तरह के परिधान उनके उसमें बिल्कुल बिल्कुल अब इस चीज़ के लिए भी हमने एक सोल्यूशन निकाला क्योंकि आप हमेशा हाथ का काम या फिर मशीन वर्क ही यूज़ नहीं कर सकते आप पार्टी में जाना है तो कैसे जाएंगे पार्टी में तो हमेशा फंकी कपड़े चाहिए थोड़ा सा ट्रेंडी चाहिए हाँ, यही हाँ तो हम लोगों ने फंकी के दो तरीके होते हैं एक तो बिल्कुल ही आप ऐसा जैजी कर दो कि शिमर लगा दिया ये लगा दिया अब इसको राजस्थानी कल्चर पे कैसे उतारेंगे तो हम लोगों ने प्लेन फेब्रिक्स उठाकर यहाँ के जो हाथी घोड़े और जो स्पेशली यहाँ के जो बारात और जिस तरीके के हम बनी ठनी के जो ये सारे आपको आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं स्केचेस मिलते हैं इसको हमने कढ़ाई के रूप में एक पर्टिकुलरली लोगो स्टाइल में जैसे आप किसी चीज़ को एक ब्रांड का नाम देते हैं किसी चीज़ को एक ठप्पा देते हैं कि ये एक हमारी पहचान है तो हमने उन लोगोस को पहचान बनाया उस आउटफिट की और उसको कुछ डिफरेंट लुक दिया तो हमने जैसे पूरी स्लीव्स के ऊपर पूरा बनी ठनी उतार दिया बाकी सब कुछ प्लेन है ट्रेंडी है सब कुछ ऐसा लेकिन यहाँ एक स्टाइल क्रिएट हो गया यूथ को तो वो इतना पसंद आया कि हमने कभी भी कल्चर को इस लेवल पे नहीं सोचा था कि हम पार्टीज़ में लेकर जा सकते हैं बट क्यों नहीं लेकर जा सकते जब हाथ हम हाथी को खूबसूरती से सजा सकते हैं, सकते हैं तो फिर उस सजावट को हम यहाँ पे भी उतार सकते हैं तो हम इंस्पायर हुए जब हमने यहाँ के मेलों में देखा कितनी खूबसूरती से हाथियों के ऊपर वो पेंटिंग की जाती है उनको एकदम खूबसूरती से सजाया जाता है और वो एक अट्रैक्शन का मैटर बन जाते हैं तो मुझे लगा ये जब ये जो आर्ट इन्होंने किया है ये तो हम भी हैंड पेंट कर सकते हैं तो हमने हैंड पेंटेड चीज़ों को यूथ के लिए उतारा बिकॉज यूथ बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें मांगता है जी. उनको वर्क से मतलब नहीं है बट मतलब आपने कुछ भी हैंड पेंट किया तो उनके लिए वो उनकी अपनी पैशन उतराती बिकॉज समवेयर वो लोग अपने आपको आर्टिस्टिक रूप में जरूर कहीं होता है कि मैं अपने आपको एक्सप्रेस हाँ, क्रिएटिव। तो कहीं वो एक्सप्रेस करने के लिए हमने उन सिंबल्स को उन चीजों को सबको कपड़ों पे इस तरीके से उतारा और हमने इस चीज का भी ध्यान रखा कि हम किसी ऐसी जगह पर सिंबल्स को ना उतारें जहां पर

उनके बारे में बात करते हैं जो आप अपने इस्तेमाल करती हैं वो कौन कौन सी ज़्यादातर चीज़ें हैं आ, यहां पर सबसे ज़्यादा एक तो लहंगे बनते हैं जी और मोस्टली जो लहंगे बनते हैं डेली वेयर में वो बनते हैं कॉटन पे अच्छा आ, क्योंकि कॉटन के लहंगे इजी टू कैरी इजी टू वॉश इजी टू मेंटेन होते हैं तो हम लोग मोस्टली काम करते हैं कॉटन फैब्रिक्स पे अब क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया है मार्केट में आ, ऐसी चीज़ों का कि आउटफिट दिखना बहुत गॉडी चाहिए लेकिन होना बहुत कॉस्टली नहीं चाहिए तो यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं आजकल चाइनीज मटीरियल भी यूज होने लगा था तो हम लोगों ने कोशिश की थी बट हमसे हुआ नहीं तो मैंने तो डिसाइड किया कि मैं जो भी करूँगी वो मेरा जो फोकस होगा वो प्योरिटी पर ही होगा कॉटन ही होगी लेकिन कॉटन को हम एनहैंस करेंगे एन्हांस अपनी प्रिंटिंग खुद कराएंगे और अपनी प्रिंटिंग के थ्रू हम वो मॉडर्नाइजेशन को एक ऐसी जगह पर उतारेंगे जहाँ लोग ना करके जा ही ना सकें हमने उसको बहुत ब्यूटीफाई किया और उस डिजाइन को इस लेवल पर लेकर आए कि लोग ना करके नहीं जा सकते आजकल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी होती है चलती है इको फ्रेंडली आप बात करिए पॉकेट फ्रेंडली होने वाली बात की डेफिनेटली पॉकेट फ्रेंडली होना ही चाहिए बट पॉकेट फ्रेंडली के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होना आजकल एक बहुत बहुत जरूरी माना गया बिल्कुल सर तो आप उसका भी ध्यान रखते हैं हाँ जी क्योंकि हमारे जितने भी पॉलिस्टर बेस्ड फैब्रिक होते हैं वो हमारे स्किन को डैमेज करने की पूरी पोटेंशियल रखते हैं आपको रैशेज होने का डर रहता है आपको बॉइल्स हो जाते हैं या फिर इचिंग रहती है तो हम लोग उसको अवॉइड करने के लिए कॉटन में ही हम इको फ्रेंडली फैब्रिक्स पर काम करते हैं जैसे लिनन लिनन बहुत अच्छा फैब्रिक है क्योंकि लिनन हैंडमेड होता है और हैंडमेड फैब्रिक का कोई मुकाबला नहीं होता कॉटन भी अगर 100 परसेंट थ्रेड्स पे बना है 120 के काउंट पर है तो आपको वो प्योरिटी का फील अलग ही आएगा okay. और जब आप उसे पहनते हैं तो वो एयरी और ब्रीदी होते हैं तो जब आप उन चीज़ों में अंदर घुसते हैं तो हैवी लुक नहीं होता हैवी फीलिंग नहीं होती बॉडी पर इट रिलैक्सेज यू योर नर्व्स एंड इट सूद्स योर बॉडी ऑल्सो लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द वेदर ऑफ जयपुर इट्स सो हॉट so you cannot go for polyester fabrics so we avoid that and we only keep that in mind that the fabric should be eco friendly as well as budget friendly बहुत खूब अच्छा आपने तो काफी पूरी देश दुनिया देखी हुई है भूमि है और आपने बहुत लंबा काम भी किया हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप शैली जो हैं इस डिज़ाइनिंग के साथ साथ राजस्थान की संस्कृति जो उ के लेकर के आ रही हैं डिज़ाइनिंग के अंदर इसके साथ साथ एक दूसरा ऐसा काम भी कर रही हैं जो कि समाज से बहुत नज़दीकी के साथ जुड़ा हुआ है आप सामाजिक कार्यों में आपके सामाजिक सरोकार बहुत बड़े हैं उनसे भी जुड़ी रही हैं तो शैली उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं आप क्या आपने कैसे उसका सामाजिक सरोकारों को और इस डिज़ाइनिंग को स्पेशली कैसे मिलाया है आपने इसमें ये बचपन का एक छोटा सा मैं किस्सा बताऊंगी मैं मेरी मदर को देखती थी घर में जितने भी लोग हमारे यहाँ काम करने आते थे हमेशा मैक्सिमम चीज़ें वो उन्हीं के लिए करती थी तो मैंने उनसे एक दिन पूछ लिया कि आप बाहर भी तो बहुत सारे बेगर्स बैठे हैं आप उनके लिए क्यों नहीं करते हो तो बोले कि नहीं पहले हमारे लिए जो हमारी सेवा करता है हमारा फर्ज़ बनता है पहले हम उनका ध्यान रखें और वहीं से हमने चीज़ों को जोड़ना शुरू किया कि अगर हम ऐसे ही सोचते जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं बेहतर समाज बनाते जाएंगे। हाँ एक आदमी दूसरा आदमी की मदद करे और आगे चेन बनती तो वहीं से मेरे भी मन में ये इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसी चीजें करूं जो कहीं ना कहीं समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो खुद के लिए तो हमेशा रहेगा ही अब आप दुनिया में आए हो तो खुद के लिए करोगे ही करोगे परिवार के लिए और परिवार के लिए लेकिन उसके अलावा इस नॉलेज को ये जो आपने सीखा है इस एक्सपीरियंस को अगर आपने किसी को बांटा ही नहीं किसी को दिया ही नहीं तो उसका क्या यूज किया आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रही हैं आप इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या है कैसे और किस सेगमेंट को आप आप उसमें कर हैं तो जब हम फैशन में देखा कि फैशन में मोस्टली मॉडल्स ही वॉक कर रही हैं रैम पर और वो तो ग्लैमर है उनको तो मौका मिल

इन बच्चों को हम रैम पर हमारी ड्रेसेस पहनाते हैं और इनको रैम पे वॉक करने का वो फील देते हैं और इनसे हम कुछ इनके टैलेंट जैसे कोई कविता बोलता है कोई जोक सुनाता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डांस और नृत्य भी करना जानते हैं और वो अपने एक पैर पर भी खड़े होकर वो बहुत खूबसूरती से डांस करते हैं तो इनको हम प्रोत्साहित करते हैं इन्हें स्टेज पर लेकर आते हैं इन्हें वो मौका देते हैं कि उस ग्लैमर वर्ल्ड को देखें और साथ में खड़े होकर सबके साथ एक फ़ोटो खिंचवाएं और उनको लगना चाहिए कि हम एक परिवार हैं और इस परिवार को मैं बहुत सालों से जोड़ चल रही हूँ यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो हमसे जुड़ी हैं और हम उनके बच्चों को यहाँ पर बहुत प्रमोट करके उनको ये कहीं भी फील कराना नहीं चाहते कि वो हमसे अलग हैं जी तो क्या आप उनकी जो जीविका के अंदर भी इस डिज़ाइनिंग वाले आपने काम को समाहित कर रही हैं क्या आप उन्हें उनको उनका अपस्किल कर रही हैं हुनर दे रही हैं हाँ जी का बिल्कुल उनके अंदर आ, यह यहाँ पे कुछ लेडीज हैं जो स्टिचिंग करती हैं कटिंग करती हैं और वेस्ट मटेरियल से हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं तो मैं ऐसे लोगों को अपना काम आउटसोर्स करती हूँ जिससे उनका भी कहीं ना कहीं हर महीने का एक अपना जो एक हम लोग उनके अकाउंट में पैसे डालते हैं डायरेक्टली जिससे वो पैसा खर्च ना हो और वो उनके नाम पर जमा हो जाए तो ये हम कोशिश करते हैं उनको इस तरह का काम देने की तो मेरा जितना वेस्ट मटेरियल है वो हम स्पेशली एबल्ड लोगों के पास जाते हैं वो एक जगह पूरा लेडीज़ का पंद्रह बीस सेट बैठता है वो मशीन चलाती हैं हमें बड़े बड़े वो कपड़े जॉइन करके देती हैं फिर हम उसमें से एक यूनिक आउटफिट जिसे हम बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं जी

ए, कोई इसमें से जो बच्चे आते हैं तो आप उनको जो उनकी जो ट्रेनिंग देती हैं करती हैं तो उनसे कुछ फीस वगैरह लेती हैं नहीं या? नहीं सर ये बिल्कुल निस्वार्थ है जी। इसमें कोई फीस नहीं कुछ नहीं आप जब चाहें तब मेरे पास आए जिस दहुत तरीके से मैं अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूट एज अ सिटीजन कर सकती हूं आज मैं जरूर करूंगी अपने देश के लिए क्योंकि कहीं ना कहीं देश ने भी बहुत कुछ हमें दिया है और उसको रिटर्न करने का सिर्फ यही तरीका है कि हम एक बेहतर फ्यूचर बच्चों के लिए क्रिएट करें बहुत और यही मेरा एम हमेशा रहा है क्योंकि मुझे पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एथिक्स होते हैं आपका संस्कार होते हैं आपका रहने का तरीका होता है आप जाने तभी जाओगे जब कुछ अच्छा छोड़ कर जाओगे, छोड़ जाओगे। और मैं वही करती आई हूँ सर मैंने सिर्फ कर्म अच्छे किए हैं और कर्मों पे ही विश्वास बहुत बढ़िया मुझे वो दोहा याद आ गया शायद रहीम ने कहा था कि जल जो बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम तो सामाजिक सरोकार तो यही है कि हम जितना हमने समाज से लिया है उससे उस ज़्यादा कहीं देने के का का प्रयास करें कोशिश करें समाज भी डेवलप होता है और हमें भी एक आत्मिक खुशी मिलती है उसका खैर कोई सानी ही नहीं होता है ये बहुत ही बहुत ही अच्छा।, अच्छा अच्छा आपकी एक दुनिया और भी रही आपने बहुत दुनिया देखी भी है घूमी भी है राजस्थान का से आप बहुत लंबे समय से जुड़ी रही हैं और यहाँ आके आपने बहुत बड़ा काम भी किया है

मेरी जो हाइट है फाइव थ्री फाइव टू फाइव फोर या फाइव से नीचे वाले जितने भी ये लोगों के लिए रैम्प या मॉडलिंग एक्चुअली बनी नहीं है तो वहाँ से रियलाइजेशन बहुत क्लियर हो गया था विजन बहुत क्लियर हो गया था कि ये फील्ड मुझे लेनी है क्योंकि ग्लैमर से भरी हुई है और बहुत ही कलरफुल है आप यहाँ पे बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो एक ऐसा नायाब तोहफा आप समाज को दे सकते हो चीज़ें बनाकर कि लोग आपके काम को आपके जाने के बाद भी याद रखें और वही चीज़ करते करते मैं यहाँ तक आगे तक बढ़ी और इन चीज़ों को मैंने फिर अलग तरीके से अलग लेवल पर लेके गई कि मुझे ग्लैमर वर्ल्ड में जुड़ना है लेकिन अपनी संस्कृति को कहीं भी छोड़ना नहीं है और संस्कृति के नाम पर जब मैं राजस्थान आती भी थी जयपुर तो सर कुछ होता था जो एक सोल से कनेक्ट हो जाता क्या फैसिनेशन है आपका राजस्थान से इसके आ, बारे में बताएं ये सर सबसे पहले शुरू हुआ था राम राम सा से हर एक इंसान आपको राम राम सा और बहुत ही हम्बल तरीके से कर रहा था तो मुझे लगा मैंने कहा यार इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मैंने किसी भी होटल में कहीं नहीं देखी आप किसी होटल में जाते किसी स्टेट, भी शायद किसी स्टेट में भी, भी नहीं, नहीं देखी, देखी आप किसी होटल में भी जाते हो तो दरवाजा सिर्फ खोल दिया जाता है और आप अंदर चले जाते हो बट वो एक ड्यूटी लगती है ये एक ड्यूटी नहीं थी एक वॉम्थ थी इस वॉम्थ ने मेरा दिल जीत लिया देखिए हमारे यहाँ राजस्थान में जो जो हमारे श्रोता हैं वो जानते ही हैं कि हम बड़े ही बड़े ही मोहब्बत से बड़े ही प्यार से कहते हैं केसरिया बालम पधारो देश हमारे देश में कोई आता है तो हमें बड़ी खुशी होती अतिथि देवो भव अतिथि यहाँ का बहुत बड़ी वो है और हमने भी यही चीज सीखी घर में भी कि हम कोई हमारे घर आता है तो वो मेहमान हमारे लिए भगवान के समान होता है और यही चीज़ की फीलिंग मुझे राम राम शाह ने दी और वहीं से हम इंस्पायर होते 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 हम बड़े होते गए और मैं कल्चर को और समझती गई तो कल्चर और संस्कृति का जो एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन राजस्थान में देखने को मिल ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता राजस्थान अपने आप में एक अनूठा एक अजूबा है और यहाँ हर चीज में आपको इसकी खूबसूरती दिखाई दे सकती है हर दीवार पे हर एक बिल्डिंग पर हर एक पुरानी मॉन्यूमेंट पे आपको इसके सब जगह छाप एम्प्रिंट्स दिखाई देंगे आप बची नहीं सकते हो इसकी खूबसूरती इसकी खींचती है खींचती है आपको और यही चीज हमारे ब्लड में घूमती भी है क्योंकि हम एंड ऑफ द डे इंडियंस हैं और हम लोग जाने ही अपनी संस्कृति से जाते हैं तो एक बात चलिए और मैं आपसे जानना चाहूँगा और आपके जरिए मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कभी कभी क्या होता है क्योंकि आपने एक वो दुनिया देखी है जिसमें कि डिज़ाइनिंग है और आपने लोगों को देखा है कैमरा है एक्शन वो सब चीज़ें जो होती हैं कभी कभी होता यह है कि हम लोगों को चीज़ बड़ी अच्छी तो लगती है और हम लोग वहाँ चले भी जाते हैं और फिर जा देखते हैं जो हमारा यूथ है बच्चा है कहीं ना कहीं उसका फिर भ्रम टूटता है तो आप ऐसे माहौल में आप अपने आप 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 जो काम कर रही हैं कैसे बच्चों को समझाती हैं कैसे उनको आप करती हैं सर सब मैंने सबसे पहले जो एक स्टेप उठाया अपने बच्चों के साथ भी इवन किसी भी बच्चे के साथ होना जो चाहिए पेरेंट्स का वो ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को मारना नहीं चाहिए अगर हमें उन्हें कोई चीज़ सिखानी है तो वो किसी ना किसी उदाहरण के थ्रू ही सिखाई जा सकती है जी। बच्चे को जब आप एग्जाम्पल्स देते हो और इंस्पायर करते हो एग्जाम्पल्स ताना नहीं इंस्पिरेशन

पैशन एक अलग चीज़ है, एक अलग चीज़ है वो आप कैसे उसको कोशिश करती हैं उस चीज़ के लिए आ, मैं सबसे पहले सर एक बार गैजेट से ही शुरू करते हैं इसको कि मैंने मोबाइल एक बार सामने रखा प्लेट पे और बच्चे सब बैठे हुए थे क्लासेस चल रही थी और मैं चुपचाप खड़ी रही पांच मिनट तक एक भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कुछ भी बोल क्यों नहीं रही हूँ तो मैंने बोला मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है यू हैव सच अ गुड फ्रेंड विद यू प्लीज टॉक टू हिम हिम आस्क ही विल आंसर

इस लेवल पे नहीं होना चाहिए कि हम अपनी दुनिया ही भूल जाएं और दुनिया बहुत खूबसूरत है इसलिए पैशन और फैशन अगर हम इसके बीच की थिन लाइन को थोड़ा सा भी समझ लेंगे सर तो गैजेट सिर्फ एक जरूरत की चीज रह जाएगी कि मेरा जब काम है तो वो काम के लिए यूज होना चाहिए अगर काम नहीं है तो वो सबसे पहली चीज होनी चाहिए जो मुझसे दूर होनी चाहिए क्योंकि मैं दुनिया तो देख ही नहीं पा रहा हूं मैं पेड़ पौधे घूमते फिरते अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि नेचर क्या कर रहा है नेचर में क्या हो रहा है या फिर आ, मम्मी पापा की लाइफ में क्या चल रहा है या मेरी खुद की लाइफ में मुझे क्या चाहिए बिकॉज गैजेट इज़ दी ओनली फ्रेंड फॉर मी नाउ सो हम ये सब चीज़ों से बच्चों को बहुत अच्छे से आ, दूर करते हैं और मैं टच होट बहुत सक्सेसफुल रही हूँ इस चीज़ में सर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं आज भी मेरे बेटे के क्लास के जो बच्चे हैं वो भी वो मोबाइल नहीं लेकर जाते स्कूल जी अच्छा एक बात और इस पूरे उसमें आप इसमें देखती हैं जब हम जब समाज की बात करते हैं समाज को देने वाली बात करते हैं तो ये जो जिन बच्चों से आप जुड़ी रही हैं उन फैमिली से आप जुड़ी रही हैं तो क्या उनके जीवन में आपने क्या परिवर्तन देखा है आ, मैंने परिवर्तन ये देखा सर मेरी मेड का बेटा उसको पहली बार डांस करने का मौका मैंने अपने स्टेज पर जब दिया आज वो डांसर बन गया और वो कोचिंग कर रहा है आज वो कम से कम पचास बच्चों को डांस सिखा रहा है उसने मास्क अकेडमी ज्वाइन कर रही और उसके बाद वहाँ से उसने एक एक्सेल एक किया उस चीज को एंड नाउ ही इज अर्निंग और उसने अपनी मदर को सबसे पहले कमाने के बाद काम करना छुड़वाया झाड़ू पोछा बर्तन तू नहीं करेगी मम्मी दिस वॉज हिज लैंग्वेज एंड दिस वॉज हिज ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेरी लाइफ का आई कुड सी इट राइट इन फ्रंट ऑफ माई फेस दैट आज वो लेडी घर पर बैठती है एंड शी हैज ऑल दी यू नो सुख सुविधा जो हम लोग के पास है और वो उसके बच्चे ने उसको दी क्योंकि उसको वो वो मौका मिला खुद को प्रूव करने का कि मैं कुछ कर सकता हूँ एक चलते चलते हम लोग बात करेंगे आ, शली आ, कि आप हमारे दर्शकों को इस प्रोग्राम के जरिए आपके आपके जीवन के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी हमें हमेशा कर्म अच्छे करने चाहिए हम जितना अच्छा देते हैं समाज को किसी को भी वो जब लौट कर हमारे पास आता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि भगवान उसे किस रूप में हमारे पास वापस लेकर आता है इसलिए अच्छाई की कोई भी हार कभी हो ही नहीं सकती हमेशा अच्छा करते जाइए फल की इच्छा मत कीजिए शांत रहिए कूल रहिए कंपोज़ रहिए बहुत सोच समझ के बोलिए बहुत संभल के बोलिए आपको कभी लाइफ में हार देखनी नहीं पड़ेगी हारेंगे भी तो जीत कर बाहर निकलेंगे फॉर श्योर मैं सिर्फ यही बोलूँगी हर जीतने का फंडा सिर्फ एक है हर जीतने का मंत्र सिर्फ एक है कि हमें कर्म अच्छे रखने हैं अगर कर्म अच्छे हैं तो रिजल्ट अच्छा होगा ही होगा तो आज के हमारे प्रोग्राम में इनसे मिले प्रोग्राम में आपने आप आप जिनसे मिले वो शैली जी से मिले और आपने उनसे देखा उनके जीवन का फ़लसफ़ा क्या है किस तरह उन्होंने समाज को दिया और किस तरह उन्होंने समाज से जो जो कुछ भी हासिल किया और कैसे उन्होंने समाज को वापस किया हमारे प्रयास हमारा यही रहता है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम ऐसे लोगों को आप तक पहुंचाएं जिन्होंने समाज में कोई बहुत पॉजिटिव काम किया एक सकारात्मक प्रयास पहल किया है और वो हम इसको अपने प्रयास में ऐसा मानते हम कब लोग सफल भी हो रहे होंगे आपको हमारा प्रोग्राम पसंद भी आ रहा होगा बस इसी इच्छा के साथ इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी नमस्कार